एक बार के ही करने से रिजल्ट आपके सामने है ये हफ्ते में तीन बार आप कर सकते हैं, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं। और एक हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा यानी तीन बार करने से ही आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे ना आप खुद कहेंगे कि बाकी में बहुत जबरदस्त ये फेशियल है मैं वस्मा वेलकम बैक टू तो माय चैनल तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे तो जनाब आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जल्दी जल्दी आ जाएं जिन लोगों ने अपनी स्किन को सॉफ्ट करना है ब्राइट करना है तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त है आपकी स्किन जो है ना बड़ी ग्लो होने वाली है और जिन लोगों ने अपने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स दूर करने हैं तो जल्दी से आ जाए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है तो जल्दी से आए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन का बटन प्रेस कर दें तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको मस्त बताती हूं कि क्या-क्या चीजों की जरूरत होगी जो आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देगा नीट एंड क्लीन कर देगा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स दूर कर देगा और आपके जो रिंकल्स हैं वो दूर कर देगा बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है जल्दी से आ जाएं तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है तो आपने ले लेना है वन फोर्थ कप कच्चा दूध रॉ मिल्क थोड़ा सा ज़ाफ़रान टमाटर एलोवेरा जेल एक चम्मच आपने लेना है चावलों का आटा और एक से डेढ़ चम्मच आपने ले लेना है बेसन इसके अलावा हमें शहद भी चाहिए अब इस रॉ मिल्क में हम इस टमाटो को पीस लेंगे मेरे पास क्योंकि बड़ा टमाटर था इसलिए मैंने हाफ़ पीस लिया और हाफ़ रख लिया अब ये जो मिक्सचर हमारे पास आया है हम इसको अपने फेस पर लगा लेंगे दस मिनट तक के लिए हम इसको अपने फेस पर लगा कर रखेंगे उसके बाद हम सर्कुलर मोशन में इससे मसाज कर लेंगे ताकि हमारी इससे क्लिनजिंग हो जाए और हमारा जो फेस है वो नीट एंड क्लीन हो जाए इससे आपके फेस से सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम आपकी स्किन शाइन करना शुरू कर देगी टमाटर से आपकी स्किन ग्लो तो करेगी ही इसके साथ साथ आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे डेली अगर आप टमाटर को आधा काट कर उसको अपने चेहरे पर रब करें ना तो आपके ब्लैक हेड्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन एकदम शाइन करने लगेगी और तो और इससे आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और जो मिल्क है वो आपकी स्किन में एकदम ब्राइट लेकर आएगा इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है और आपकी झुरियाँ भी दूर होती हैं तो जनाब ये पाँच मिनट मसाज करने के बाद आपने ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है या किसी भी स्पंज से साफ कर लेना है और आप देखेंगे सिर्फ इसी के मसाज करने से आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और ग्लो करने लग गई है आप डेली सिर्फ इसी का मसाज कर लेना तो आप वाजिया फ़र्क देखेंगे कि आपकी स्किन में क्या चेंजिंग आई है आप खुद महसूस करेंगे अब इसी पेस्ट में आपने क्या करना है ये जो चावलों का आटा है ना ये डाल लेना है और बेसन डाल लेना है इसके अलावा एक चम्मच शहद भी डाल लेना है शहद मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा था लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ तो मैं इसके अंदर एक चम्मच शहद डालूंगी और ये जो चावलों का आटा है और बेसन है ये डाल दूँगी ये एक चम्मच चावल का आटा है और डेढ़ चम्मच जो है वो बेसन है इसके अलावा इसके अंदर एक चम्मच शहद जाएगा थोड़ा सा ज़ाफरान जाएगा और एक चम्मच ही एलोवेरा जल जाएगा ज़ाफरान जो है वो सिर्फ आपने एक चुटकी ही डालना है इनको डालकर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसके अलावा अगर आपको लेमन सूट करता है तो आपने इसके अंदर आधा लेमन भी डाल लेना है अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं जो जाफरान है वो भी ऑप्शनल है अगर आपके पास जाफरान नहीं है तो कोई बात नहीं आप ज़रान ना डालें अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें एक पेस्ट बना लें और इसको आप अपने फेस पर लगा लें अच्छे तरीके से एक थिक सी लेयर आपने अपने फेस पर लगा लेना है और 10 से 15 मिनट तक के लिए आपने इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है बहुत ही हल्के हाथों से आपने मसाज करना है ये मसाज आपने पांच मिनट तक करना है बेसन आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है आपकी स्किन अगर ऑयली है तो ये ऑयल को कंट्रोल करता है चावल का आटा स्क्रबिंग का काम करेगा रिंकल्स को दूर करेगा स्किन को ब्राइट करेगा और डार्क स्पॉट्स दूर करेगा और ज़ाफरान से भी आपकी स्किन फेयर होगी आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी लेमन अगर आप डालते हैं तो ये ब्लीचिंग का काम करेगा एलोवेरा जेल से आपकी स्किन एकदम शाइन करेगी नरम मुलायम हो जाएगी और जो शहद है वो आपकी स्किन को एकदम चमकदार बना देगा पाँच से दस मिनट मसाज करने के बाद आप अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे या किसी भी स्पन से साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से फेस को साफ़ करके या वॉश करके कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम आपके पास पड़ी हुई है वो लगा लें अगर वो भी नहीं है तो आलमंड ऑयल के चंद कतरे आप अपने चेहरे पर लगा लें इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइजर हो जाएगी एक बार के ही करने से रिजल्ट आपके सामने हैं ये हफ्ते में तीन बार आप कर सकते हैं यानी एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं और एक हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा यानी तीन बार करने से ही आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे ना आप खुद कहेंगे कि बाकी में बहुत ज़बरदस्त ये फेशियल है मास्क है जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है और मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है आपको मैं रगड़ के भी दिखा देती हूँ ये देखें मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है शाइन कर रही है वीडियो अगर पसंद आती है तो अपनी फैमिलीज के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और लाइक करके कमेंट करना ना भूला करें नेक्स्ट रेमेडी के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी तब तक के लिए मुझे इजाजत दें